दोस्तों, गर्मियों का एक ऐसा खुशबूदार फूल वाला पौधा जिसे कि घर में लगाने से हमें लगता है कि कितनी जल्दी इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो और हमारा घर महकना शुरू कर दे। तो जैसा कि आप लोग समझ गए होंगे, ये खूबसूरत महकने वाला फूल का पौधा मोगरे का है। लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि उनके मोगरे के पौधे पर फूल नहीं आते हैं, पौधे की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होती है, साथ में जो उसकी पत्तियां होती हैं वो भी सफ़ेद सी पड़ने लगती हैं। तो इन सब के पीछे क्या वजह हो सकती है, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से हमें अपने मोगरा के पौधे की देखभाल करनी चाहिए जिससे कि हम उस पर ज़्यादा फ्लावर को ला सकें, साथ ही कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए जिससे कि उस पर कलियाँ ज़्यादा बन सकें। तो फिर चलिए देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके मोगरा के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएं, तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो पहली चीज़ है कि मोगरा का पौधा जो है हमारा, वो पूरी तरीके से धूप वाला पौधा है और इस पर फ्लावरिंग तभी अच्छी तरीके से होती है जब इसको अच्छी तरीके से धूप मिलती है। इसलिए आप अपने मोगरा के पौधे को पूरी धूप वाली जगह पर रखें। हाँ, लेकिन जब मई जून की तेज़ धूप होती है तो उस धूप से बचाने के लिए अपने मोगरा के पौधे को बगीचे में कोई बड़ा पेड़ लगा हो तो उसके नीचे रख दें या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखें, क्योंकि इन महीनों में अगर आप अपने मोगरा के पौधे को खुले धूप में रख देते हैं तो आपके मोगरा की पत्तियां सूखने लगेंगी और जो उस पर फूल आ रहे होंगे उनकी महक काफ़ी कम हो जाएगी तथा कलियां फूलों में बदलने से पहले ही जल के ख़राब हो जाएंगी। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देना है कि आप कोशिश यही करें कि आप अपने मोगरा के पौधे को मिट्टी या फिर सीमेंट के गमले में ही लगाएँ, क्योंकि अगर प्लास्टिक के गमले में कोई पौधा लगा हुआ होता है तो अक्सर गर्मियों के समय में वो पौधा ख़राब हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक के गमले गर्मी में हीट को जनरेट करते हैं जिसकी वजह से पौधे की जड़ें ख़राब होने लगती हैं और फिर पौधा भी धीरे धीरे सूखकर ख़राब हो जाता है। तो कोशिश यही करें कि आप अपने मोगरा के पौधे को मिट्टी या फिर सीमेंट के गमले में ही लगाएं। तीसरी चीज़, मोगरा के पौधे पर से ज़्यादा फूल को लेने के लिए आप मोगरा के पौधे पर बराबर हल्की हल्की प्रूनिंग करते रहें, क्योंकि फ्रेंड्स, जब फूल खिलने के बाद में नीचे गिर जाते हैं तो जो उसके पॉट्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो इसलिए आप जहां पर पॉट्स और उसके नीचे की दो पत्तियों को छोड़कर प्रूनिंग कर दें जिससे कि वहां से नई ब्रांचें निकल आएँ और उन ब्रांचों पर फिर से फूल और कलियाँ आने लगें। चौथी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपके मोगरा के पौधे पर ज़्यादा फूल निकल कर आएँ तो उसके लिए आप 12 इंच या 12 इंच से बड़े गमले में इस पौधे को लगाएं या फिर ज़मीन में लगाएं, क्योंकि 10 इंच के गमले में लगाने पर मोगरा के पौधे पर फूल ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि मोगरा के पौधे की जड़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं और उसमें रूट बाउंड बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ ऐसी चीज़ें कि जिनको अगर ध्यान में रखकर आप मोगरा के पौधे को लगाते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी समस्या का हल हो जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि मोगरा के पौधे को फर्टिलाइज़र किस तरीके की देनी है और कितने कितने समय के अंतर पर देनी है। तो फ्रेंड्स, मोगरा एक हैवी फीडर प्लांट है और इसको जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके सारे मिट्टी के पोषक तत्वों को ये घसीट लेता है। इसलिए महीने में एक बार इसको आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद इसकी मिट्टी में ज़रूर मिलाएं जिससे कि इसको सारे पोषक तत्व मिलते रहें और ये अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहे। चलिए अब देखते हैं कि अगर मोगरा के पौधे पर कलियाँ नहीं बन रही हैं तो उस कंडीशन में हमें अपने मोगरा के पौधे को कौन सी फर्टिलाइज़र देनी है। तो फ्रेंड्स, ये सामने आप लोग जो देख रहे हैं ये पोटास खाद है, जिसको कि पोटेशियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, और ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है और इसका इस्तेमाल पौधों पर तब किया जाता है जब पौधों पर फूल या फल नहीं आ रहे होते हैं। तो फूल और फलों को लाने के लिए इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, पोटेशियम क्लोराइड पौधों में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को इम्प्रूव करने के साथ साथ पौधों में पानी की कमी को भी दूर करती है, साथ में पौधों की पत्तियों को गिरने से बचाती है जिसकी वजह से पौधे पर जल्दी फल और फूल आने लगते हैं। इसको पौधों पर किस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो अगर आपका पौधा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है
तो आपको महीने में 2 बार इस पोटास खाद का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि हर 15 दिन में 1 बार आपको ये फर्टिलाइज़र अपने मोगरा के पौधे पर देनी होगी। तो देने के लिए आप मीडियम साइज का चम्मच लें और उस चम्मच से आधा चम्मच पोटास को ले लें, और लेने के बाद में फ्रेंड्स अब इसको डायरेक्ट ही मिट्टी में नहीं देना है, मिट्टी की गुड़ाई भी नहीं करनी है क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है, हो सकता है इसकी रूट डैमेज हो जाए। तो इसमें से आप 1/4 पोटास को पानी में घोल लें, और घोलने के बाद में जब वो सल्यूशन आपका बन जाए तो उसको पौधे की जड़ों के चारों तरफ डाल दें, और जो बचा हुआ आपका 1/4 चम्मच है उसको मिट्टी में अच्छी तरीके से इस पाउडर को छिड़क दें, ऊपर से अच्छे से वाटरिंग कर दें जिससे इसकी जड़ों तक ये फर्टिलाइज़र पहुंच जाए। तो इस तरीके से अगर हर 15 दिन के अंतर पर आप अपने मोगरा के पौधे में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, साथ में अन्य बातों का भी ध्यान रखते हैं, तो आपके मोगरा के पौधे पर बहुत जल्दी फूल आने लगेंगे।